सब्सक्राइब कीजिए प्रतियोगिता मंत्र चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी सभी वीडियोस सबसे पहले। बच्चों, बौद्ध धर्म मैंने पिछली क्लास में करा दिया था। अगर आपने बौद्ध धर्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन और वीडियो के एंड में लिंक आ जाएगा, आप उस लेक्चर को अटेंड कर लेना। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी चार बौद्ध सम्मेलन यानी फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स, और इनको कैसे याद रखा जाए इसकी ट्रिक भी बताऊंगी। ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई। तब का राजा अजात शत्रु था। इस सम्मेलन का अध्यक्ष महाकश्यप था। उस सम्मेलन में दो पुस्तकें लिखी गईं, पहली सूत पिटक, दूसरी विनय पिटक। दूसरा सम्मेलन 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। तब का राजा कालाशोक था। इसका अध्यक्ष सब्बा कामी जी थे। तीसरा सम्मेलन 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। तब के राजा अशोक थे और सम्मेलन के अध्यक्ष मोगली पुतनिस थे। इस सम्मेलन में तीसरी पुस्तक अभिधम्म पिटक लिखी गई। तीनों पुस्तकों को त्रिपिटक कहा गया। चौथा सम्मेलन ईसा की पहली शताब्दी में कुंडल वन कश्मीर में हुआ। तब के राजा अशोक थे, अशोक कुषाण वंश के। इसके अध्यक्ष अश्वघोष व वसुमित्र थे। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान व महायान। हीनयान में बौद्ध को गुरु माना जाता था और मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। महायान में बौद्ध को भगवान माना गया और वे मूर्ति पूजा के समर्थक थे। अब मैं आपको बताऊंगी इस टेबल को याद करने की ट्रिक। ट्रिक फॉर प्लेस रावे पाकू। रा से राजगीर, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। ट्रिक फॉर रूलर अका अक। आ से आजाद शत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक मौर्य वंश, आ से अशोक का वाला कुषाण वंश। ट्रिक फॉर चेयरमैन महासभा मोगली वामित्र अश्वघोष की। महा से महाकश्यप, सब्बा से सब्बा कामी, मोगली से मोगली पुतनिस, वामित्र से वसुमित्र, अश्वघोष से अश्वघोष।